हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी जीके। दोस्तों देखिए, हमारा जेल प्रहरी की जो सीरीज चल रही थी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, तो उसका आज हम साइंस सेक्शन का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए या नीचे लिंक पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, इसी तरह जीएससी सेक्शन की भी सीरीज चल रही ओल्ड पेपर की, उनको भी जरूर देखिए। 5 से 6 वीडियो बन चुके हैं, आपके आने वाले पेपरों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवी के, जैसा आप सभी को पता है दोस्तों। तो और साथ ही मध्य प्रदेश जी के सामान्य अध्ययन के लिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने सारे वीडियो बनाए हैं मैपिंग और पिक्चर के साथ, जिससे आपको इजीली होगा सारा मध्य प्रदेश पढ़ने में। तो उन वीडियो को भी जरूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के नाम से या नीचे लिंक पर। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और वीडियो को लाइक करिए और अपनी सभी फ्रेंडों को भेजिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम साइंस सेक्शन आज का। देखिए ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये आज का हमारा सेशन है। तो इसमें आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों आज के सेशन का, कि निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की हाशमान क्षमता की व्यवस्था करें, मतलब आपको अरेंज करने हैं। देखिए ऑप्शन दिए हैं आपको, छिपकली, प्लेनेरिया, पोरोस, केंचुआ, गरुड़। तो किसकी आपकी, इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द ऑर्गन इन देयर द डिक्रीजिंग पावर ऑफ द रीजनरेशन, मतलब अपने अंगों की क्षमता फिर से बनाने की। जैसे छिपकली दोस्तों, उसकी पूंछ आप बड़ी इजली वो बना लेती है, इसी तरह ये यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए, छिपकली ऑप्शन है, प्लेनेरिया है, पुरुष मतलब ह्यूमन, केचुआ, गरुड़। तो देखिए आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं आना, ऑर्डर जमाना आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये सारे ऑप्शन क्या है। तो आप जल्दी से केचुआ लगा देंगे, छिपकली ये लगाएंगे, ये कि ऑर्डर वाइज जमाना है आपको। तो यहाँ आप कन्फ्यूज ना हो, सारे में सेकेंड फर्स्ट दिया, मतलब प्लेनेरिया है दोस्तों। सबसे पहले प्लेनेरिया अपने जो पुनर्जनन मतलब अंगों को फिर से बनाने की क्षमता सबसे फास्ट होती है प्लेनेरिया में दोस्तों। ये एक प्रकार से एल्गी टाइप का होता है, अगर ऑप्शन में यहाँ एल्गी होता तो पहले हम एल्गी को देते दोस्तों। तो फर्स्ट तो यहाँ हमारे लिए प्लेनेरिया, जैसे आप ऑप्शन में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शन आप देख लें, सभी में आपको यहाँ पर सेकेंड है। फिर उसके बाद देखिएगा तो आपको फिर कन्फ्यूजन आपको आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों प्लेनेरिया के बाद आता है, सेकेंड के बाद आता है फोर्थ नंबर में केचुआ, उसके बाद केचुआ फास्ट बनाता है। केचुए में भी देखिए, अगर आप एक तरफ से उसको काट देंगे वो दूसरी तरफ से चलना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसके पार्ट फिर से आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में प्लेनेरिया आएगा। तो इस तरह देखिए, अब आपके ऑप्शन कौन से बचे, थर्ड और फोर्थ। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद आता है आपका छिपकली थर्ड नंबर। तो अगर आप फिर बचेगा आपके लिए ऑप्शन ओनली थर्ड, तो थर्ड इज़ अ राइट आंसर है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, प्लेनेरिया सबसे पहले, फिर उसके बाद क्योंकि डिक्रीजिंग में जमाना आपको, फिर केचुआ, फिर छिपकली और फिर गरुड़ और ह्यूमन। ह्यूमन में जैसे आपको पता ही होगा, ह्यूमन में सिर्फ एक यकृत ऐसा बॉडी का पार्ट है जो अगर 1% भी बचा तो वो धीरे धीरे पूरा यकृत बनाने की क्षमता होती है, इसलिए ये क्षमता ह्यूमन में बहुत कम होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन को चयनित करना। तो आपको यहाँ पर मैच करने के सारे कथन कौन से सही, देखिए फर्स्ट इन्होंने दे दिया उपरोक्त सही, बट आप सीधे बिना पढ़े लगा नहीं सकते। तो आप नेक्स्ट देख लीजिए, केवल विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, ये होता है, आपने भी देखा होगा अगर आपने केमिस्ट्री लैब वगैरह में ये किया हो या नॉर्मली घर वगैरह में भी अगर आपने देखा। सेकेंड है दोस्तों, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है, तो दोस्तों हरा रंग होने का रीज़न ही यही है, फेरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है विलयन में। और केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है, जैसे आप जंग टाइप देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ए। देखिए आप उपरोक्त सभी आई देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC रेलवे वगैरह का आपको बनना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पंखे के नीचे की और दाब रहता है, पंखे के नीचे की ओर दाब रहता है जब वो तेजी से आगे बढ़ता है, और पंखे के ऊपर की ओर दाब रहता है, और पंखे के नीचे से अधिक होता है दोस्तों। पंखे के नीचे का दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होता है, और पंखे के ऊपर से नीचे का। देखिए एक प्रकार से कंफ्यूजन क्वेश्चन है काफी ज्यादा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों थर्ड। जब पंखे के नीचे की ओर से दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होगा तभी तो आपका प्लेन ऊपर जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। देखिए तो थर्ड इज अ राइट आंसर, आप भी देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है तो क्या होता है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है आज के सारे। संयोजी तार एक दूसरे
की ओर आकर्षित होते हैं, संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं, संयोजी तारों के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, धारा वहन चारों तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। दोस्तों तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी दोस्तों, तो किस कारण से होता है, तो दोस्तों राइट आंसर है फोर्थ, कि धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोस्तों एक करंट पैदा कर लेती है, तो उसी के कारण स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस पूछा है, देखिए बेसिक क्वेश्चन है बट आपको बनने चाहिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप बहुत क्लोजली यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं या कन्फ्यूजन है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार ओल्ड पेपर जरूर लगाइए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंडों को शेयर करिए जिससे उन्हें भी पता चल सके, क्योंकि ओल्ड पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की ऑप्शन दिए हैं जर्सी से, नेक्स्ट है दोस्तों ब्राउन स्विस, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बॉस इंडिकस, और लास्ट है रेड सिंधी। तो देखिए लोग जन नॉर्मली जर्सी जर्सी सुनते हैं दोस्तों, बट ये इंडियन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, आपको जल्दबाजी में नहीं लगाना। आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, थोड़ा यूपीएससी स्टाइल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, भले टेंथ लेवल का आ गए, यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ और सेकेंड और थर्ड, तो उसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, देखिए जर्सी तो नहीं मैंने आपको बता दिया, और साथ ही आपकी दोस्तों जो ये है ब्राउन स्विस, ये भी इंडियन नस्ल नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों हैं दोस्तों, बॉस इंडिकस और रेड सिंधी, ये इंडिया की है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि थर्ड और फोर्थ बस हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना है, इससे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ओल्ड पेपर लगाना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊपर चला गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैली में होता है जो उसके खालिस्तान कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो ऑप्शन है किसके पास स्थित होता है दोस्तों, पित्ताशय के पास होता है, बहुत सॉरी प्लीहा के पास होता है, इसे स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, और अग्नाशय के पास होता है, अमाशय के पास होता है और यकृत लीवर के पास। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा यकृत लीवर के पास ही पित्ताशय होता है, आपने भी ऐसा सुना होगा जनरली, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा डिटेल में भी समझते होंगे इन चीज़ों को। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि दूध के विभिन्न प्रकार जैसे कि फुट क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं दोस्तों, और मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का नाम पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह में मोस्टली रिपीटेड आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो जो मेथड दिए हैं दोस्तों वो है विलायन, निष्कर्षण, अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण और प्रभाजीयाश्रण। देखिए इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपको, चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर है सेकेंड दोस्तों, अपकेंद्रीकरण। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो आपसे बन जाएंगे इजली, पर कुछ क्वेश्चन का लेवल आप भी देख सकते हैं कि थोड़ा टफ है। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षण होता है दोस्तों, आकर्षक होता है। देखिए ऑप्शन दिए हैं आपका स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा बल होता है दोस्तों आपका आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स में, आपका सेकंड इज अ राइट आंसर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए मैं आपको ओल्ड पेपर लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पहली बात तो पिक्चर क्लियर नहीं है, और ऑप्शन आपका दिया है कि स्थायी युद्धों में दिए गए 1, 2, 3, 4 पहचान करें दोस्तों, तो आप पहले तो यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं, इसी तरह एज अ टेस्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों व्यापम में ये, क्योंकि रियल पेपर है, ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ की तो लैंग्वेज ही पता नहीं चलेगी कि ये क्या है, अगर आपने थोड़ा डीप पढ़ा होगा साइंस तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर आप राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका सेकेंड नंबर का, तो इसलिए आपको सारे पेपर लगाने, और देखिए हर एक क्वेश्चन आपके करने लायक नहीं होता, ये 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को उनको समझ में ही नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन करने लायक नहीं, इसलिए ओल्ड पेपर सारे लगाइए दोस्तों। सेशन अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंडों को शेयर करिए, और साथ ही आगे के सेशनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।